सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल्स के बने होते हैं ये केमिकल्स छोटे बड़े विभिन्न क्लासेस साइज फंक्शन आदि वाले होते हैं ये लगातार बनते रहते हैं और अन्य बायोमोलिक्यूल्स में बदलते और उनका निर्माण करते हैं इस परिवर्तन को केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं चाहे जीव यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर हो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस साथ साथ चलती रहती हैं सभी प्लांट्स एनिमल्स फंजाए और माइक्रोब्स में मेटेबलिज्म पाई जाती है हमारे शरीर में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस के योग को मेटेबलिज्म कहते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो शरीर के बाहर सेल्फरी सिस्टम में भी प्रदर्शित हो सकती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर टेस्ट ट्यूब में होने वाली आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन एस न तो लिविंग है और न ही नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म को बिना एक्सेप्शन के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर मानते हैं टेस्ट ट्यूब इन विट्रो में होने वाली आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिविंग थिंग्स नहीं होती लेकिन वासवत में ये लिविंग रिएक्शन होती है इसलिए बॉडी का सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन लाइफ फॉर्म का डिफाइनिंग फीचर है सराउंडिंग या एनवायरनमेंट के स्टिम्युलस के प्रति सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे स्पष्ट और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है स्टिम्युलाएं फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल हो सकते हैं हम अपने सेंस ऑर्गन्स द्वारा अपने एनवायरनमेंट को पहचानते हैं एस प्लांट्स लाइट वाटर टेम्परेचर अदर ऑर्गेनिज्म पोल्यूटेंस आदि जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स के प्रति रिस्पॉन्स दिखाते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स एनवायरमेंटल संकेतों को सेंस कर रिस्पांस दिखा सकते हैं